ये रही हमारी बहन। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 12 और हम जा रहे हैं बहन की शादी में। तो अभी ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं, तो इस गाड़ी का कवर निकाल दे। और ये देखो है हमारे भाई और वो बकरियाँ प्यारी प्यारी। अभी भाई आ रहा है। तो बेसिकली बाइक से जाने वाले थे लेकिन धूप बहुत है, बहुत मतलब सहन नहीं हो रही धूप। तो हम जाएंगे अभी कार से शादी को। और ये आउटफिट है, देख सकते हो, निकालना शर्ट भी है, शर्ट भी लिया है शादी में, शर्ट पहनेंगे। तो फिलहाल धूप है इसलिए थोड़ा टी शर्ट पहन के जा रहे। तो चलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ये 30-40 किलोमीटर है तो पहुंच जाएंगे। रोड अच्छे है इधर के, तो कोई टेंशन नहीं। तो फिलहाल चलते हैं, इसको आने देते हैं ये ना। तो गाड़ी का कवर निकालते हैं और चलते हैं सीधा शादी में। आपको दिखाता हूँ रोड के सीन्स। तो देखो देखो हमारा भाई आ रहा है। देखो दिस इज आवर विलेज। और देखो हमारा भाई तो गाइस फाइनली गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी जा रहे हैं शादी के लिए और भाई रेडी हो रहा है, भाई का रेडी हो चुका है, भाई आ रहा है। शूज़ मैंने पीछे डाल दिए क्योंकि शूज़ नहीं पहने हुए, बहुत बहुत गर्मी है इधर, लिटरली टप रहा है। देखो पसीना पसीना आ रहा है, एसी लगाया तब भी पसीना आया, गाड़ी भी बहुत गर्म है। तो आगे चलते हैं। गाइस प्लान में चेंज है, मेन रोड से जा रहे थे लेकिन रास्ते का काम शुरू हो गया था, अभी शॉर्टकट जा रहे हैं मेन रोड पे। तो आगे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मांगी तुंगी करके है हमारे इधर 108 फीट ऊपर पहाड़ पे बुद्धा का स्टैचू बनाया हुआ है, वो भी पूरा पहाड़ में बनाया हुआ है, मतलब कोई पत्थर नहीं लेके जाया है ऊपर, कुछ नहीं, पूरा पहाड़ में। जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, ये इधर ऊपर रास्ता है, आपको दिख रहा है या नहीं, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा होगा। इधर वो स्टैचू है, वो बुद्धा का स्टैचू है, 108 फीट स्टैचू है। अब इधर से जाएंगे हम मेन रोड नंदुरबार रास्ते पर और उधर से जाएंगे शादी के लिए। लेट नहीं हुआ है, हम बहुत टाइमिंग से चल रहे हैं तो इजीली पहुंच जाएंगे, ये देख सकते हो। तो आप ब्लॉग इधर को नया आए तो चैनल पर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम आपको आई। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं शादी के गांव में, बहन की जगह शादी। और ये हमारी बहन का घर, ये मेरी बहन और ये मेरी बहन का लड़का, वो लड़की उधर चली गई। तो अभी चलते हैं हम मंडप में शादी के और बहन को छोड़ के नीचे, उधर डांस हो रहा है उधर चलेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। 2 मिनट का, ये रही हमारी बहन, क्या दीवार हमारा लुक, ये रहा हमारा भाई। और अभी हम जा रहे हैं जिधर डांस कर रहे उधर जा रहे हैं। और चलो चलते हैं, बाकी आप एंजॉय करो। गाइस ये रहा हमारे इधर का डीजे, और ऐसा कुछ रहता है, आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा तो एडजस्ट कर लो। Thank you.
हमारा भाई पूरा फॉर्म में आजाद, पूरा फॉर्म में हमारा भाई। तो हम जा रहे हैं अभी लगन मंडप में, शादी के मंडप में, तो चलते हैं। के खाना खाने बैठे हैं अभी और मेरी कार्यक्रम चला दिया जाए, मेरे दोस्त और हमारा भाई, और खाना खाते हैं और बाद में मिलते हैं आपको। फाइनली शादी हो चुके है, सब खाना खा के निकल चुके हैं, हम भी खाना खा के अभी निकल ही रहे हैं। अभी बहन के पास जाते हैं, थोड़ा बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, ये शर्ट निकालते हैं, फिर से टी शर्ट पहन लेते क्योंकि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत बहुत धूप है। अभी अभी धूप नीचे आई है, मतलब गर्म होना कम हो गया है, और फ़ोन की बैटरी भी लो है। तो आपसे मिलते हैं मैं थोड़ी देर बाद, क्योंकि गाड़ी में तो हेलो जी, शादी हो चुकी है, शादी से हम आ चुके हैं अभी स्वीट खाने के लिए इधर पिंपनेर में। ये देख सकते हो, इधर पिंपनेर करके एक छोटा सा गांव है सिटी है। तो अभी कुछ तो स्वीट खाते हैं और निकलते हैं घर। गाइस अभी कुछ नहीं मिला इधर, ठंडा भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो अभी जा रहे हैं घर। घर चलते और ब्लॉग इधर ठीक था, आपको पता चल गया होगा। बहन की शादी हो चुकी है फाइनली, हैप्पी हैप्पी, बहुत अच्छी दिख रही थी बहन हमारी, और दादी भी हमारे बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो ये ब्लॉग यही एंड करते हैं।